ठीक है, शुरू हो गई। क्षेत्रफल के था। अब ये देखो गोलाकार है, नहीं है कैसा है?
खाता है नहीं है भाई, इसको अगर मैं इस तरीके से काट दूँ तो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, तो जो सरफेस होगी घोल वाली वो ऐसी होगी, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी गोला है, तो इस मतलब इसका कोई ना कोई विद्या होगी नहीं होगी होगी, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, होता नहीं होता है, यानी इसका क्षेत्रफल जो होगा पाई आर स्क्वायर होगा, वो क्या है ए है नहीं है एरिया जो है, तो अगर इसकी जगह रो एल अपॉन ए, एल तो सेम रहेगा, ए की जगह पाई आर स्क्वायर करते हैं तो आर क्या होगी इसकी विद्या होगी, ये सूत्र मैं ध्यान रखता कि ए की जगह क्या करता है पाई आर स्क्वायर, यानी ये एल पर डिपेंड कर रहा है और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है उसकी त्रिज्या पर, अब केस कैसे बन सकते हैं ये देखो, ठीक इतना समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, हमारे पास मामले कार है, उसकी लंबाई कितनी है एल, त्रिज्या त्रिज्या छोड़ोगे एक की बात क्षेत्र कितना ए है, और कार वही है यानी इसका जो प्रतिरोध है चार सेम है, यानी प्रतिरोध क्या है इसका रो है, अब यानी पता क्या है हमने क्या करा, इसी में का एक और तार ले लिया, मान लो कॉपर वायर है, इसी में का एक और वायर ले लिया जिसकी लंबाई कितनी मान लो आपके पास लंबाई कितनी होगी इसकी डबल, जो पहले मान लो एक मीटर थी हमने दो मीटर का वायर ले लिया, और तार की मोटाई पहले कितनी थी एक, और मोटाई हमने कितनी कर दी इसकी टू के, तो तार का प्रतिरोध जो होता है किसको लंबाई पर क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, नहीं कि लंबाई पर क्षेत्रफल दोनों ही बदल रही है तो इसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा नहीं बदलेगा, तो इसका प्रतिरोध इसका मान लो प्रतिरोध कितना है आर, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा आर, जो हमें ज्ञात करना है मतलब हमें ये देखना है इसका प्रतिरोध क्या है आर, एक तार है इसकी लंबाई एल है, क्षेत्रफल कितना है ए है, उस तार का प्रतिरोध आर है, तो हमें उसी तार को मतलब डबल लंबाई ले ली, उसका क्षेत्रफल कितना कर दिया डबल कर दिया, तो बताइए उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो यहाँ से देखो अगर हम आर निकाले तो आर क्या आएगा रो, रो तो सेम है लंबाई कितनी इसकी एल, और ये इस केस में आर बराबर रो एल अपॉन ए होगा नहीं होगा, अब यहाँ देखो यहाँ पर प्रतिरोध इन्हें कह दिया कुछ नया प्रतिरोध होगा वो तो नहीं होगा, आर तो नहीं ले सकते तो नया प्रतिरोध मान लो क्या आर है, जब तार ये जो तार ये है वही तार ये है, यानी दोनों का रो क्या होगा सेम, तो बोलेंगे हम लंबाई कितनी हो गई तो एरिया कितना हो गया टू के, तो यहाँ से देखो प्रतिरोध कितना आया 2 रो एल अपॉन 2 से 2 यानी कितना आया, यानी अभी भी देखो क्या हुआ प्रतिरोध उतना ही आया, क्यों आया अगर एरिया को हम नहीं बदलते एरिया रखते ए लंबाई बदल देते तब क्या आता प्रतिरोध कुछ और, हमने क्या लंबाई को बदल दिया एरिया ही बदला, इससे क्या हुआ प्रतिरोध क्या हुआ बदला ही उतना ही आ गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम ही आए, क्योंकि तार की लंबाई और क्षेत्रफल को जैसे बदलोगे प्रतिरोध बदल जाएगा, कितना बदलेगा वो इसी सूत्र से, असल में रोएल अपॉन ए क्या है रोएल अपॉन ए तो यही है ना इसके बराबर है आर के बराबर, इसलिए हमने क्या करा रोएल अपॉन ए की जगह क्या रख दिया आर, आर वन जो नया प्रतिरोध था तार का वो किसके बराबर है पुराने वाले, अगर मान लो क्वेश्चन दिया तो दस ओम, क्वेश्चन क्या दिया था मान लो तार है इसकी लंबाई ए है क्षेत्रफल ए है, इसका आप आर की जगह बोल देते प्रतिरोध कितना है दस ओम, तो भाई नए वाले का बताओ नए वाले का आर में कितना आर के बराबर है तो क्या होता है ठीक सर नोट करो, कोई डाउट तो नहीं आ रहा, अब यहाँ पर एक बार लंबाई को चेंज करेंगे एक बार क्षेत्रफल को चेंज करेंगे, देखते हैं क्या कहते हैं समझ आ रहा है, ये अंतिम अवस्था है
जो भी पर्सन आएगा इसके अंदर से पहले हम सोचते थे एक पॉइंट छोड़ देते हैं, लेकिन वो बाद में तो बार पढ़ना पड़ेगा तो हम छोड़ेंगे कुछ थोड़ा सा। तीसरा क्या कल्चर अब यहाँ देखो इस वाले केस तार की लंबाई उतनी है, लेकिन अच्छी बात है तार की वही मान लो कॉपर है तो कॉपर पाया है, ये भी कॉपर का ये भी कॉपर का है, तार की लंबाई उतनी है दोनों केस में, लेकिन अच्छी बात तार की मोटाई उतनी बढ़ा दी। तो तार जैसे ही मोटा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अभी भी उतने ही जा रहे थे अभी भी उतने ही जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम आसानी से जाएंगे इसमें आसान से जाएंगे, क्योंकि ये क्या तार की मोटाई बढ़ गई यानी प्रतिरोध कम हो गया, यानी अब जो प्रतिरोध आना चाहिए वो आर से कम आएगा नहीं आएगा,
आना चाहिए, क्योंकि तार की मोटाई बढ़ते ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकते हैं, जब फ्लो आसानी से करेंगे तो प्रोटॉन घट जाएगा। देखते हैं, देखो ये तो हो गया कॉमन साइंस कि घटना चाहिए, अब कितना आएगा ये हम सूत्र से बता देंगे और भी शॉर्टकट भी बता देंगे। तो आर टू कितना जाएगा, रो एल अपॉन टू ए, तो रो एल अपॉन ए की जगह क्या रख सकते हैं आर, आर बाय टू, यानी प्रतिरोध कितना हो गया आधा, अगर मान लिया तो 10 होगा तो कितना हो जाएगा 5 ओम। अब ये देखो यही क्या करते हैं, इसकी मोटाई को 2a की जगह 3a कर देते तो कितना आता है r by 3, 4a करते तो r by 4, जितने टाइम्स करोगे उतने ही टाइम्स डिवाइड में आ जाएगा, 5 गुना करोगे तो r बटे 5, ये समझ आ गया। यहाँ पर देखो अगर लंबाई 5 गुना करते तो कितना 5r हो जाता है, सीधे बड़ा होती दुगना कर दो आ गया, दुगना करेंगे तो 3, 4 गुना करेंगे तो 4, लेकिन दूसरी चीज को चेंज ना करें तब किसी एक चीज को चेंज करना, समझ आएगा।
60 ठीक है। अब ये हम लोग है आपको हमें एक स्रोत है उसकी लंबाई कितनी है एल और उसकी त्रिज्या देनी है, मतलब क्षेत्रफल की जो क्रॉस सेक्शन होगा उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या दे दी है कितनी आर। और हमने क्या करा कि लंबाई तो उतनी रहनी थी लेकिन अच्छी बात त्रिज्या कितनी बन गई उसकी डबल, त्रिज्या डबल कर दी तो दिशा। तो अब क्या होगा पता है सूत्र में तो ये आता और ए बराबर क्या होता है पाई आर, यानी ए को हम किस में कन्वर्ट करेंगे पाई आर। तो यहाँ देखो आर बराबर क्या होगा तो मैं लगभग ए और ए तो है नहीं यहाँ पर एक ही जगह और आर कितना है ये पहले क्वेश्चन में बताया नहीं है यानी रोवल बटे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 60 ठीक। दूसरे केस में क्या करें आर टू कितना आएगा रो एल कितना है एल ही है एरिया कितना है पता नहीं अब क्या पाई और आर कितना है पाई आर स्क्वायर करेंगे नहीं करेंगे पाई इंटू त्रिज्या त्रिज्या तो डबल हो गई टू आर वही होगी। तो यहाँ से क्या होगा रो एल अपॉन पाई और टू आर का स्क्वायर कितना होगा 4 और स्क्वायर स्क्वायर आर स्क्वायर होगा नहीं होगा भाई 2 का वर्ग 4 और आर स्क्वायर चले ये कितना हो गया 4 को हम आगे ले लें और रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं कॉमन और रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर कितना होता है 60 दे रहा है 60 बटे 4 आप पढ़ेंगे शॉर्ट कट अभी एग्जाम में तो हमेशा करेंगे लेकिन आना चाहिए शॉर्ट कट भूल जाते हैं लॉन्ग मेथड भूल कर सकते हो अगर मान लो समझ में शॉर्टकट तो भूल ही जाए ये नोट कर लो इस बार शॉर्टकट फटाफट से कर लें। अगर क्षेत्र को डबल कर रहे हो तो बटे में आता है और यही आधा करो तो ये
ऊपर चल रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, होगा क्या होगा? ये समझ आ गया। तीसरा, अगर क्या कर रहे हैं, त्रिज्या को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, या जितने भी टाइम्स करेंगे, तो प्रतिरोध मान लो पहले आर है, तो बार कितना हो रहा है, तो त्रिज्या देखो कितनी होती, नीचे आता है रो एल अपॉन ए, ए की जगह क्या होता है, अब देखो आर था पहले, हमने क्या कर दिया इसको 2R, तो जैसे ही 2R करेंगे तो इसकी जगह कितना आएगा, तो आर का स्क्वायर यानी 4 आएगा, यानी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, यानी जितने टाइम्स कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको क्या करें, आधा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, अगर आर बाई टू करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, समझ आ रहा है, नहीं आएगा रुक आ रहे काम कुछ देखो दो सब चीज़ें मैंने करा दी कैसे बन रही है, और याद करने का तरीका ये है कि जितने टाइम 3 times करोगे तो 3 times हो जाएगा, 4 गुना लंबाई करोगे तो 4R हो जाएगा, जितने टाइम करोगे उतने टाइम कंट्रोल हो जाएगा, ऐसे अगर इसको डबल करोगे तो कंट्रोल आधा होगा, ट्रिपल करोगे तो कंट्रोल 1/3, फिर इसको आधा करोगे तो कंट्रोल डबल, जैसे आधा करोगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1/2 आएगा तो ऊपर चला गया, 1/3 आएगा तो 3 ऊपर चला गया, ऐसे इसको फिर जाएगा, ठीक है। अब देखो नोट कर लो, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से आया है, जो हमने पढ़ाया है, जो आप पढ़ाएंगे वहाँ से क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं, लेकिन ये पढ़ाना जरूरी है। ठीक
तो तार को पिघला के उसकी लंबाई बढ़ा दी या तार को खींच के उसकी लंबाई बढ़ा दी, तो क्या चीज समान रहा? लंबाई बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो लंबाई कम, समान क्या रहेगा? मेन चीज जो हमें हमारे प्रतिरोध निकालना, इसको खींचा गया पिघलाया गया ठीक, और पिघला के इसकी लंबाई कितनी कर दी, लंबाई कर दी 2L ठीक, लंबाई कर दी केवल उसका प्रतिरोध मामला कितना था आर और विशिष्ट प्रतिरोध रो, इसको खींचा गया या पिघलाया गया और लंबाई कर दी डबल, तो जब लंबाई डबल करी तो ये पतला हो जाएगा तार नहीं होगा, जब खींच दिया गया तो तार पतला होगा, तो पहले तो मान लो इसका क्षेत्रफल कितना था ए, अब ए रहेगा और आर निकालना है तो क्या चाहिए रो सेम है, एल चाहिए और ए चाहिए, तो ए तो है नहीं हमारे पास, मैंने क्या कहा कि सुनार के पास जाते हो तो सोना 10 ग्राम का है तो 10 ग्राम ही लेकर के आते हो ठीक, सेम प्रोसेस क्या है यहाँ पर, क्या चीज समान है आयतन, आयतन क्या वजन से निकलता है, यानी इसका क्या समान रहा आयतन समान रहा ठीक, जितना स्थान आयतन क्या होता है पदार्थ कितना है, पदार्थ तो उतना ही रहा, ऐसा थोड़े कि एक किलो का तार था तो फिर आधा किलो बचा, खींचने पर क्या होगा उसकी लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन हो सकता है लेकिन उसके द्रव्यमान में उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा सेम आयतन, तो यहाँ मान लो आयतन कितना है बी वन, यहाँ आयतन बी टू, तो ये दोनों क्या होने चाहिए समान, तो यहाँ देखो जब तार को पिघलाते हैं कितना निकल रहा है इसको देखो, ये ध्यान रखना तो आयतन समान रहता है, अच्छा तार के साथ कितनी होता है गोलाकार बेलनाकार के साथ कितनी में बेलन होता है या गोला होता है तार, तार बेलन होता है, तार बेलन ही तो है लंबाई तो है उसके अंदर और गोला है गोलाकार है ये सरफेस जो है, लेकिन तार क्या है बेलन, बेलन का आयतन कितना होता है मान लो पता लगा 2000 है बेलन का आयतन, आप कौन ने बताया बेलन का आयतन 2000 है, नहीं कौन ने होता है, अच्छा एक बात बताओ हमारे पास ये एक डिस्क इसका आयतन इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कई बार हम भूल जाते हैं ये तो होता है बेसिक आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है या फिर क्या होता है लंबाई गुणा क्षेत्रफल ठीक, क्षेत्रफल की लंबाई से गुणा कर दो आयतन आ जाता है, तो कितना पता है, अब मान लो जैसे ये है इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया तो क्या होगा एक का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई लंबाई कितनी हो गई एल आर जो भी है एच है हम कुछ भी ले सकते हैं, तो एक का क्षेत्रफल हो गया इतना यानी ये क्या हो गया क्षेत्रफल और लंबाई कितनी हो गई, समझ आ गया नहीं आया अभी भी नहीं आएगा, एक्चुअल में तो होता नहीं समझ आएगा, क्षेत्रफल निकालने का तरीका जो होता है उस तरीके से होता है, इसको क्या करो होल करो देखो बता दे रहे हैं ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर ठीक, अब इसको मैंने काटा है अब इधर देखो इसको मैं खोल लूँ जैसे पाई आर स्क्वायर इसका हो गया क्षेत्रफल इसको मैं ये कितना है एल या एच ये एच है तो आयतन का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अब इसको मैंने खोल दिया तो ये कितना होगा इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और ये कितना हो गया एल, क्षेत्रफल की गणना करोगे उसका तो कितना आएगा आयतन आ जाएगा ठीक, पाई आर स्क्वायर है ऐसे ही ऊपर या दक्षिण होगा क्या होता है वो वक्र पर, तो ये कितना होता है किनारे की तरफ ही ऊपर या और ये एच इसको खोलो तो ये कितना आया भाई यही तो था पूरा घुमा कर पूरा ऊपर या यही तो कहा था ऊपर या यही हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई एच ऊपर या ऐसे बनते हैं
क्षेत्र में कितना होता है आई आर स्क्वायर, इसको बी वन किसके बराबर होगा बी टू के, ठीक बी वन कितना होगा पाई, त्रिज्या कितनी है दिया है हमें क्षेत्रफल दिया है, ठीक हम मान के चलते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है इसका तो पता ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इन टू, लंबाई कितनी है एल, इधर करना होगा पाई, अब आर तो पता ही नहीं है इसलिए आर पता चलेगी तभी तो ए पता चलेगा, तो इसको मान लो कितना है आर आर स्क्वायर और ये कितना है तो पाई से पाई कट गया एल से एल, तो आर स्क्वायर बराबर आर वन स्क्वायर गुणा आर वन कितना स्क्वायर कितना आया आर स्क्वायर के कितना आ गया, तो यहाँ से देखो क्षेत्र में निकल जाएगा आर वन स्क्वायर पता चल गया, तो क्षेत्र में कितना होगा इसका ए टू पाई आर वन स्क्वायर, तो आर वन स्क्वायर कितना है पाई आर स्क्वायर बटे टू हो गया, अब ये पता चल गया तो इसका हम निकाल सकते हैं आर टू कितना होगा बताओ रो एल अपॉन ए, एल कितना है टू एल, ए कितना है ये दो ऊपर चला गया दो दूनी और दो एलो पाने कितना था आर, तो आर तो कितना आ गया अब इसका सॉल्व क्या रहेगा कि जब अगर लंबाई पर डबल करते हैं तो प्रतिरोध टू का स्क्वायर गुणा कर दो जैसे मान लो सर प्रतिरोध पूछा जाता आर टू, तो कुछ नहीं करना होता लंबाई डबल करिए तो क्षेत्र में बदल लेते तो बदल जाए, हमें क्या करना है टू का स्क्वायर और गुणा पहला प्रतिरोध कितना था तो कितना आ जाता फोर आ जाता, लेकिन ये मैथड है ये ट्रिक है, ठीक तो मैथड भी यूज करो और ट्रिक भी यूज करो, ये समझ आया किसी के पीछे बीच में आया पीछे बीच में क्या समझ नहीं आया क्षेत्रफल नहीं पता है, इसका तो पता था इसकी लंबाई पता थी इसका क्षेत्रफल नहीं पता, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या त्रिज्या भी नहीं पता थी क्या है इसकी त्रिज्या भी नहीं पता क्षेत्रफल ही नहीं पता त्रिज्या बना सकते इसका भी तो नहीं इसका क्षेत्रफल पता है इसका क्षेत्रफल पता है ए है इसकी त्रिज्या आर पता है ठीक है उसका नहीं पता उसका नहीं पता था और निकालना तो इसी का है तो इसकी एल पता है ए और पता चल जाए कैसे करके तो हो जाता है हमारा ए निकालने के क्या हुआ चार को खींचा था जैसे हम लंबाई को क्या करें अभी कौन से केस में जब तापमान गर्म से पिघला रहे या खींच रहे हैं पिघलाने में खींचने पर यदि लंबाई को हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं ठीक नोट कर
का क्षेत्रफल कितना कर दिया ए बटे तीन, तो आर टू जो होगा वो क्या होगा ए बटे तीन है, इसका क्या करना है ए बटे करना है ए बटे तीन का वर्ग, तो बना पाँच तो करना ही था एक बटे नौ आएगा इसका ये ए बटे तीन नीचे रखेंगे और इंटू आर और एक बटे तीन का कितना आएगा ए बटे नौ और ये नौ ठीक। पतला हो गया तो प्रतिरोध बढ़ना चाहिए घटना चाहिए बढ़ना चाहिए
दस हज़ार कितना पड़ेगा देखते हैं, पहले प्रतिरोध कितना है आठ, आप प्रतिरोध आठ टू कितना होगा वन अपॉन ये कितना है ए बटे तीन की पावर चार और ये आर, ए बटे तीन की पावर चार कितना होगा ए बटे इक्यासी, तीन तीन नौ तीन सत्ताईस तीन इक्यासी और ये क्या चल रहा है आर, ये इक्यासी ऊपर चला गया आर टू कितना है इक्यासी आर इक्यासी, ठीक है। जो भी वैल्यू इसका मतलब ये तो हुआ ये क्या है ए बटे चार के
और क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो हमने क्या करा एक बटे चार, एक बटा चार करा और एक बटे चार से क्या कर दिया स्क्वायर। अब त्रिज्या से बढ़ा एक बटे चार को कितना करेंगे हम, एक बटा ये कितना होगा एक बटा सोलह होगा नहीं होगा तो क्या चला हाँ, और एक बटा सोलह ये सोलह कितना चला जाएगा ऊपर क्या है सोलह। ठीक है अगला अभी घर से कर रहे हैं मैं लिख दे रहा हूँ घर से कर रहा हूँ। आर की जगह टू आर तब निकालना है आर। ठीक है चौथा क्या होता है एल की जगह ट्वेल्व एल तब निकालना है आर टू घर करना ज़्यादा बढ़िया। तार समान है तार भी बदल गया
अगर इस तार को बदलेंगे तब क्या अच्छे से चेंज हो सकती है, लेकिन तार समान है और बैटरी की वैल्यू जो विभाग है विभागता है बढ़ाते जा रहा है, एक एक के नोट दिखा रहे थे दो दो के तीन तीन के, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो धारा बढ़ेगी, तो जब हम बैटरी के इसको बढ़ा रहे हैं तो धारा भी क्या हो रहा है, पहले मान लो कि एक एम्पियर थी फिर दो एम्पियर तीन एम्पियर चार एम्पियर, लेकिन धारा भी लगातार बढ़ रही है। तो हमने क्या देखा कि हमने एक तार लिया, उस तार की भौतिक अवस्था को समान रखा, तब हमने देखा कि बैटरी के विभव को मतलब बैटरी की शक्ति जो वोल्टेज है उसको जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से धारा भी बढ़ रही है, लेकिन हमने क्या नहीं देखा कि वी और आई जैसे मान लो पहले कितने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, ठीक, हमने देखा धारा कितनी जा रही है, हमने देखा 10/5 कितना आया तो डी बटे आई कितना आया, तो फिर हमने क्या कर दिया 20 बैटरी 20 वोल्ट की कर दी, तब हमने धारा देखा कितनी हो गई है 10 एम्पीयर हो गई, यानी बी की वैल्यू बढ़ा दी धारा तो बढ़ी, कितनी बढ़ी 10 एम्पीयर, तब भी हमने बी बटे आई करके देखा तब भी कितना आया 2, फिर हमने क्या करा एक बार करके देख लेते हैं बी की वैल्यू ने कर दी 5 वोल्ट, यानी बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की, तब देखा धारा कितनी है 2.5, और दोनों का रेशियो कितना आया 2.2 आया, तो देखा फिक्स वैल्यू क्या आ रही है, तो ये फिक्स वैल्यू तार को बदला तो चीज़ बदल गई, तब इसी पर रिजल्ट क्या आ रहा है डिफरेंट आ रहा है, तब दो नहीं आ रहा है इसी तार को बदल दिया हमने रिजल्ट चेंज हो गया, फिर तार अगर सेम है तो रिजल्ट वही आ रहा है, 2.2 हर बार आया या 3.3 हर बार, यानी फिक्स वैल्यू आई, तो हमने ये देखा ये फिक्स वैल्यू आ रही है क्या एक्चुअल, उसी को नाम दिया गया ये क्या है ठीक, यानी जब चार्ज कम हो देखो देखो नहीं पता यदि किसी तार की यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाओं को ब्रैकेट में क्या लिखोगे लंबाई मोटाई तापमान और पदार्थ लंबाई मोटाई तापमान और पदार्थ ये सब क्या होना चाहिए बदलने में चाहिए ब्रैकेट को यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाओं को समान रखा जाए तो तार के सिरों के बीच विभव अंतर और सिरों के बीच विभव अंतर और बहने वाली धारा और बहने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है सदैव एक नियतांक होता है ठीक एक नियतांक होता है ठीक जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं एक शब्द आता है ओमीय चालक ओमीय मतलब यानी वे चालक जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं पालन करते हैं वो क्या कहलाएंगे ओमीय और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे वो क्या है अनओमीय ठीक फिर डायरेक्ट काम होता है सर नियतांक वो होता है कांस्टेंट मतलब समान रहता है बदलता नहीं है तो 5-5 आ रहा था वो क्यों फिक्स था ना 5 थोड़ी बदल रहा था डी अपॉन आई कर रहे थे हर बार तो 5 आ रहा था 3/5 से 10/4 जो भी वैल्यू आ रही थी उन दोनों डिवाइड करने पर फिक्स वैल्यू आ रही थी 5 तो 5 का था नियता उसी को हमने क्या कहा यही क्या है प्रतिरोध ठीक फिर डायग्राम बना लो
गया भाई काम। वन प्लस आई हाँ नीचे वन प्लस आई वन पॉइंट आई मैंने क्या करा जैसे बैटरी फिक्स कर दी मैं फोन का भी जो बल्ब बनाया उसमें बैटरी नहीं होती 10 वोल्ट की बैटरी फिक्स कर दी तो क्या होगा बैटरी फिक्स है बीच में फिक्स है आपने देखा हम धारा प्रतिरोध के बीच में क्या दिया सकते ठीक अब तार को मैं चेंज कर सकता जो तार है मान लो उसको मैं बदल सकता अगर मैंने कम प्रतिरोध का तार लगाया तो आई को मिल क्या होगी होगी नहीं होगी क्योंकि एक दूसरे के लिए उल्टे हैं व्युत्क्रमानुपाती हैं यदि अगर वैसे ही कॉमन सोर्स लगा प्रतिरोध कम लगाऊंगा तो धारा अधिक बैठती है पहले धारा 5 एम्पीयर मान लो जैसे ये क्वेश्चन है कि पहले मान लो प्रतिरोध कितना था 5 ओम बैटरी मैंने लगाई 10 वोल्ट की धारा कितनी जा रही होगी बी और कम आई क्या होता है आर बी कितना है 10 और आर के इधर भेज दो और आई इधर भेज दो आई इधर भी हो गया आर कितना है 20 5 तो कितना आया आपकी बार यही मैंने क्या कर दिया इसे फिक्स रखा है तो अभी पहले धारा कितनी आ रही है 2 अब इसको मैंने कितना कर दिया प्रतिरोध को मैंने घटा दिया कितना कर दिया 1 ओम बैटरी वही है अब धारा कितनी जाएगी 10 बटे यानी यही क्या करूँ अब इसको मैंने क्या कर दिया 2 ओम कर दिया तो देखो कितना आएगा आई जो होगा वो बी बटे आर बी कितना 10 और ये 2 वहाँ से क्या इसका सीखा कि अगर आप वोल्टेज को कांस्टेंट बैटरी मैंने फिक्स कर दी अब क्या कर रहा हूँ प्रतिरोध को बढ़ा रहा हूँ पहले मैंने रखा 2 प्रतिरोध कितना रखा पहले पहले मान लो सबसे छोटा 1 ओम तो धारा कितनी है 10 एम्पीयर फिर मैंने क्या करा 2 ओम धारा कितनी आई फिर मैंने करा 5 ओम धारा यानी जैसे ही प्रतिरोध को बढ़ा रहा हूँ धारा घट रही है या फिर कह लो प्रतिरोध को घटा रहा हूँ तो धारा बढ़ रही है यानी अगर B कांस्टेंट है तो 1/i = r होगा और i की वैल्यू अगर क्या करेंगे बढ़ाएंगे
आर क्या होगा? और अगर आई की वैल्यू घटाएंगे तो आर लिखने में बहुत अच्छी बात है। इसलिए लिखा हो? हम तो मेरा सुनने नहीं, वो अपान में है सर, जी अपान में है, वो बटे में ना बोल प्रति एमपीआर। सेकंड क्वेश्चन है,
भी मैं लिखवाया था यही से ये कहा है ना रूपांतर कारक के स्वरों के रूपांतर और धारा जो है एक दूसरे के समानुपाती नहीं है विषम होते हैं हम के नहीं देख सकते हैं एक ज्ञान नोट करके लिख लो तो कोने चला का है ना कोने का नियम किसके लिए पहले है पहले मानो कितना था एक ओम था
बैटरी मान लो कितनी है, तो हमें निकालना है धारा, धारा क्या होगी आई बराबर बी, तो फिक्स है प्रतिरोध पहले था एक ओम, एक ही प्रतिरोध लगाया था, कितना आ रहा धारा 10 एम्पीयर। फिर हमने क्या करा कि अभी 10 ही है लेकिन प्रतिरोध डबल कर दिया, दूसरा अभी मान लीजिए कितना आया एक ओम का ये भी है दो ओम का जो भी है एक ओम मान लो, तो अब प्रतिरोध कितना हो गया बढ़ गया ना, बढ़ गया अभी बताएंगे कितना, तो कितना आ रहा धारा, धारा मतलब कम हो गई, तो निकालें कैसे कि प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है, यानी प्रतिरोध में बढ़ने से धारा कम हो गई, कम हो गई, कितना समझ आया। तो देखो पहले की श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है ठीक, दूसरा बी बराबर अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर और यहाँ पर तीन प्रतिरोध का मतलब तीन बल लगे हैं, 5 वाट का 10 वाट का 15 वाट का ठीक है, फिर तीनों एक ही समान, जैसे तीन लोग होते हैं एक नॉर्मल बंदा हम लोग की तरह, एक नॉर्मल क्या करता है प्रोफेशनल जिम करता है और एक क्या है सुमो पहलवान है, तीनों लोग खाना खाने बैठ रहे हैं, तीनों को एक पंगा तो बैठा दिया है, तो कौन खाना, खाना जब बटेगा तो खाना उतना ही है, तो क्या होगा, क्या मैं सुमो पहलवान के बराबर खाना खा पाऊंगा, तीन है एक जिम वाला है, वो मैं सबसे कम खाना खाऊंगा क्योंकि मेरा प्रतिरोध कम है, फिर कौन आया जिम वाला भी व्यक्ति आया वो मुझसे ज्यादा खाना खाएगा, फिर सुमो पहलवान आएगा जितना बचा खाएगा, यानी कहने का मतलब ये है प्रतिरोध अगर अलग अलग हैं तो विभव भी उनके लिए अलग अलग होगा नहीं होगा, क्योंकि क्या विभव तो उतना ही 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट क्या होगा यहाँ इसके लिए विभव मानना है कितना 2 वोल्ट खर्च कर रहे हैं 3 वोल्ट 5 वोल्ट, टोटल तो 10 वोल्ट ही है खर्च करने के लिए, लेकिन ये क्या करेगा अलग अलग खर्च करेंगे क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है, एक कमजोर है एक पहलवान है एक सुमो पहलवान, तीनों की डाइट अलग अलग होगी, सेम प्रोसेस क्या होगा यहाँ विभव कितना होगा, मान लो B1 है यहाँ B2 और यहाँ क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा कि श्रेणी क्रम में समान रहता है क्या धारा, श्रेणी क्रम में असमान रहती है क्या विभव, तो यहाँ से ध्यान रखने ध्यान रखना क्या है कि श्रेणी क्रम में क्या समान रहेगा धारा समान और जो इनके सिरों के भी विभवांतर टर्म यूज करेंगे विभवांतर, विभवांतर क्या होगा अलग, इसका प्रूफ तो नहीं बताएंगे सूत्र कैसे आता है वो बता देंगे, तो यहाँ पर जो टोटल विभव बी का वह बैटरी का जो होगा वो सभी प्रतिरोधों के विभव के सम के योग के बराबर होगा, भाई इन सबका B1 + B2 + B3 जो भी होगा वो बी के बराबर होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा है, तो प्रतिरोध जो निकलता है तो तुल्य प्रतिरोध, अब मान लो तुल्य प्रतिरोध का मतलब कि एक मैं हूँ एक जिम वाला व्यक्ति है एक सुमो पहलवान ठीक, तीनों लोग खाना खा रहे हैं एक टोकरी में खाना खाना खा रहे खाना हम तीनों लोगों ने खा लिया, अब हम ये चाहते हैं कि तीनों का मैं लगा करके एक व्यक्ति को खाना खिलाएंगे और एक टोकरी का खाना खत्म हो जाना चाहिए, तो वो क्या होगा हम तीनों के खाने के योग के बराबर होगा नहीं होगा, तो अगर मान लो ये तीन प्रतिरोध लगाए ये इतना इतना खाना खा रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं अब हम लगाएंगे एक प्रतिरोध और वो ऐसा होना चाहिए तीनों के बराबर खाना खा रहे ठीक, तो वो प्रतिरोध क्या होगा इन तीनों के स्तंभ के योग के बराबर होगा नहीं होगा, तो ऐसे ही अगर जब समांतर क्रम आता तो जितने भी होंगे उन सबको जोड़ के चले जाते नहीं है सुनते
समझ आई। अब यहाँ देखो, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि बैटरी फिक्स कर दी और मतलब एक टोकरी में खाना बनाइए, खाना बनाई है, अब की बार तीन की जगह हमें पाँच कर दो सोनों पहलवान और बैठा लेंगे, तो क्या होगा, क्या अब उतना खाना सबको मिल पाएगा? यानी खाने की मात्रा यानी धारा की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पेट्रोल बढ़ाते चले जाएंगे तभी धारा क्या होती जाएगी, और पेट्रोल घटाते चले जाएंगे, आप केवल सोनों पहलवान बैठा जाएंगे तो धारा उसका मटेरियल बढ़ गया, यानी धारा बढ़ गई, क्योंकि टोकरी में तो खाना एक ही है, ठीक, एक ही टोकरी में खाना। तो यहाँ से भी क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि आई जो है वो अगर बी कॉन्स्टेंट है, बैटरी क्या है फिक्स है, तो बन अपन आके इक्वल होगा नहीं होगा, और इसको बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो धारा घटेगी। आ रहा है बेगम है लोग पाएगा फिजिक्स है, फिजिक्स को जितना दिमाग लगा लो उतना बढ़िया, बायोलॉजी जितनी रट लो उतनी बढ़िया, केमिस्ट्री क्या है दोनों का मिला जुला कॉम्बिनेशन है, आपको समझना भी होगा आपको फिजिक्स में फॉर्मूले याद हो गया, अगर चार क्वेश्चन कर लो अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसमें ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता, अब क्वेश्चन आ जाएगा कैसा, मान लो क्वेश्चन आ गया कि श्रेणी क्रम में अगर हम तीन प्रतिरोधों को लंबों को जोड़ रहे हैं या प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं तो धारा क्या रहे, तो संभव तो धारा रहेगी, बढ़ेगी घटेगी समान रहेगी या इनमें से कुछ नहीं, तो क्या रहेगी समान। हम जब प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो धारा घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी ना, तो अलग बात है कि धारा समान रहती है, भाई चार लगा दिए, जैसे चार सुमो पहलवान बैठ गए, पहले एक था तो उसे आठ रोटियां मिल रही, जब चार बैठ गए तो दो दो रोटी मिलेंगी, ठीक, दो दो समान रूप से मिलेंगी, पहले आठ समान रूप से मिल रही थी, अगर दो बैठेंगे तो चार समान से मिलेंगे, धारा तो रहेगी, पहले दो एम्पियर रहेगी तो सब में रहेगी दो एम्पियर, चार रहेगी तो चार सब में रहेगी, आठ होगी तो आठ पूरे में रहेगी, लेकिन जैसे संख्या बढ़ेगी प्रतिरोधों की वैसे क्या होगा, धारा की मात्रा तो घट जाएगी ना, पहले चार चार मिल रही थी फिर दो दो मिलेगी, आठ आठ होगी, नहीं समझे, क्वेश्चन लिखो, देखो वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि लैंपों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में कुल धारा पहला ऑप्शन बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, हम तो यही टिक लगा के आएंगे ये रहती तो समान है, पढ़ाया तो यही था, बताओ केवीसी का क्वेश्चन बताओ, हमने क्या करा, अगर वो कहते हैं कि किसी परिपथ में वोल्टेज समान है और हमें लैंपो, यह क्वेश्चन देखो क्या है, लैंपो को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, नहीं कि लैंपो को कितने लैंपो को, पांच लैंपो बोला होता, चार लैंपो बोला होता तब तो समान रहती, लेकिन लैंपो को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यानी जोड़ी का नहीं लगा था, घटती है, जोड़ा दूसरा जोड़ा तीसरा जोड़ा घटती, तो जब लैंप जोड़ रहे हैं यानी सुमो पहलवान जड़ बढ़ते चले जा रहे हैं तो रोटियों की संख्या सबको मिलने वाली कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, घटती है, घटती है, ठीक, ये मतलब आया ना, समान रहती है, समान कब रहेगी, यदि किसी परिपथ में पांच लैंप श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनमें बहने वाली धारा बराबर घटेगी बढ़ेगी अनंत होगी, तब क्या होगी, फिक्स वैल्यू दे दी तो समान, यहाँ क्या है, फिक्स वैल्यू नहीं दी, जोड़ रहा है केवल लैंप, प्रश्न
यदि 5 ओम के 5 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। टाइम हो गया दिखाओ क्वेश्चन तो देख लो। 25 होना 30 हो गया। एक क्वेश्चन है देखो फिर जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा फिर कल समानता चल जाएगी। थोड़ा सा आज का जो मैंने टारगेट लिया था वो नहीं हो पाया। ठीक ये ऑप्शन है मैं समझाना चाह रहा हूँ दो चीज पिछले क्वेश्चन कराता हूँ। आर की वैल्यू क्या होगा R1 + R2 कितने प्रतिरोध हैं 5 तो 5 + 5 + 5 + 5 + कितना है 25 ओम। यानी देखो प्रतिरोध था 5 ओम। अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं तो तुल्य प्रतिरोध जो इंडिविजुअल प्रतिरोध था 5 ओम से बड़ा ही होगा कम नहीं होगा समांतर में उल्टा होगा। ठीक श्रेणी क्रम में अगर मान लो जितने प्रतिरोध जोड़े हैं तो जितना जैसे मान लो 2 ऐसे होते 10 15 20 25 30 तो तुल्य प्रतिरोध इन सबसे बड़ा था। ठीक इन सबको जोड़ोगे ना तो क्या होगा सुपर तो सबसे बड़ा होगा इन सबसे बड़ा होगा। लेकिन समांतर में क्या होगा अगर ये समांतर में जोड़ोगे तो तुल्य प्रतिरोध जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा। ठीक है इधर समांतर में करेंगे पॉज करो।